सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर। सभी जिला वासियों से अपील करता हूं कि ये जो कोरोना वायरस के कारण विश्वव्यापी महामारी फैली है, इससे बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक और आपसी दूरी अथवा अलगाव है। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका पालन करें, बिना जरूरत के अपने घर से नहीं निकलें, बहुत इमरजेंसी हो तभी निकलें और वो भी कोई एक व्यक्ति निकलें, दवा लेना हो या राशन लेना हो, सब्जी लेना हो, जो भी। दूसरा, आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार ने घोषणा की है मुफ्त में एक माह का राशन उपलब्ध कराने के लिए, तो ये अप्रैल माह से ही शुरू हो रहा है। अप्रैल माह में जो रेगुलर अप्रैल मई जून तीन माह का इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। जो रेगुलर राशन मिल रहा था आपको प्रति सदस्य, एक कार्ड में जितने भी सदस्य हों, प्रति सदस्य 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं, जो उसकी निर्धारित दर थी वो मिलता रहेगा। उसके अतिरिक्त प्रति सदस्य 5 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा आपके डीलर के माध्यम से। और इसके साथ साथ प्रति परिवार 1 किलो दाल, यानी दाल प्रति कार्ड पर, राशन कार्ड पर 1 किलो उपलब्ध कराई जाएगी। चावल प्रति सदस्य 5 किलो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर एक कार्ड में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ये आप सभी की जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसको डीलर को भी हम लोग बताए हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधि को भी बताए हैं। आप ध्यान रखें और जब भी हम लोग इस माह से वितरण शुरू करेंगे, वितरण होगा, तब अपना नियमित जो खाद्यान्न प्राप्त करते हैं उसे प्राप्त करें, उसके अतिरिक्त निःशुल्क 5 किलो चावल प्रति सदस्य और 1 किलो दाल प्रति परिवार यानी प्रति कार्ड, इसको प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।